मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो सौरभ, वो समीक्षा को लेकर जो बैठकें होती थी वो सब साथ मिलकर बैठे नहीं दिखाई देते थे, लेकिन अब से 10-15 मिनट, बमुश्किल 10-15 मिनट बाद योगी आदित्यनाथ भी, ब्रजेश पाठक भी, केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य रणनीतिकार, सब लोग एक साथ बैठे दिखाई देंगे। 10 सीटों ने सबको साथ आने पर मजबूर कर दिया। तनाव इतना बढ़ा हुआ है क्या? संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक पार्टी है, आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, और छोटी बड़ी चाहे वो महापौर का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या केंद्र में लोकसभा का चुनाव हो, सभी चुनाव को बीजेपी बहुत संजीदगी से लड़ती है और कॉडर बेस होने के नाते एक पद्धति है, एक सिस्टम है, और इसकी जो उच्चतम बॉडी बोलते हैं सीईसी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, तो एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है, घर और समूह का और गुट की पार्टी नहीं है। अच्छा, गुट की पार्टी नहीं है, संगठन बड़ा है, सरकार बड़ी नहीं होती। वो लोकसभा चुनाव में तो हमें जानकारी ये मिल रही थी योगी आदित्यनाथ 33 या 35 कितने थे, उतने उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर गए थे कि इनको जरूर टिकट मिलना चाहिए, शायद 2 को ही मिली थी, उनकी सुनी ही नहीं गई, उनका फीडबैक ही नहीं लिया गया, ये आप ही के खेमे से पता लग रही थी, जानकारी मिल रही थी। संदीप जी 2017-2022 आपके सामने रहा और 10 सीट आपके सामने है, या भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर, अपने कार्य के मुद्दे पर, और खास करके उत्तर प्रदेश में जो एक मिथ था, एक भ्रम था कि यह क्षेत्र का, ये परंपरागत सीट है, परंपरागत है, बाहू जी ने दिया है, दादाजी ने दिया है, और ये अलग अलग नामों के साथ जाना जाता था, उसको 17 में तोड़ा, उसको 22 में तोड़ा, उस गढ़ में वो कमल खिला और भरपूर कमल खिला, वही प्रचंड बहुमत के साथ 2000 आने वाला 27 भी दिखेगा, उसमें कोई भ्रम नहीं है, लेकिन उसके पहले 24 में क्या हुआ के लिए है, अंधेरे से निकल के उत्तर प्रदेश को रोजगार के तरफ ले जाने के लिए, विकास के ले जाने के लिए, आपको भी पता है, आप इस बात को जानते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर इस बात को मैं, संदीप जी, मैं बताना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, 24 इस देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक चैलेंज था कि 24 में जो भी घटनाक्रम हुआ, बीजेपी ने समीक्षा की और वोट प्रतिशत सदैव बढ़ा है, जिन जगहों पर पराजय की स्थिति बनी पर वहां पर वोट परसेंटेज हमारे बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के आज भी मतदाताओं की संख्या वहां ज्यादा रही है, इसलिए उसकी चिंता की बात नहीं है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री का वोट मार्जिन भी 1.5 लाख वोटों तक आ गया, आप कह रहे हैं वोट प्रतिशत बढ़ा है, प्रधानमंत्री का वोट प्रतिशत जो मार्जिन था, जो जीत का अंतर 1.5 लाख पर आ गया, आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ गए यूपी में, कहां बढ़ गए? निश्चित तौर पर वो चिंता की बात थी, संदीप जी, पूरा ओवरऑल जब देखेंगे उत्तर प्रदेश के मतदान में, लोकसभा चुनाव में, तो हमारे वोट परसेंटेज तो बढ़े हैं, बल्कि लिहाजन देश में तो और सबसे ज्यादा बढ़े हैं। अच्छा, इसके आसपास भी कोई राजनीतिक दल नहीं है राष्ट्रीय तल पर, 103 का आंकड़ा, 3-3, मतलब आप सैकड़ा पर भी विपक्षी नहीं कोई पहुंच पाया, तो ये बात सही है, अलग है, लेकिन हाँ, विचार कर रही है पार्टी, विचार स्तर करती तो अब ठीक हो गया। जो त्रिमूर्ति है आपकी उत्तर प्रदेश की, त्रिमूर्ति में सब अब ठीक है, सब ठीक ठाक है, हालचाल ठीक ठाक है योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के? संदीप जी कोई भ्रम नहीं है, कोई विभ्रम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम विभ्रम नहीं है, यह संगठन की पार्टी है, चुनाव लड़ती है, संजीदगी से चुनाव लड़ती है, और चुनाव से अपने घटकों को कितना देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह दूर से अपने घटकों को कितना देंगे, 10 सीट विकास के नाम पर, और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझती है और जानती है।
आरएलडी भी दो सीटें मांग रही है, घटक तो साफ है, निषाद भी दो सीटें मांग रहे हैं, संजय निषाद। एनडीए की सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में है, और 10 में एनडीए 7 में चुनाव लड़के, फॉर्मूला तो बता दो। यही यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। आप देखिए जरा, परिवार में कोई मांग ले, परिवार में कमलनाथ जी आपके इंट्रो में ही था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने क्या कहा, कौन अखिलेश, यानी कांग्रेस कौन अखिलेश। आप देखिए विचित्र स्थिति, उनके यहाँ तो परिवार का एक ही स्थिति है कि परिवार में चाचा भतीजा का युद्ध विराम हुआ तो फिर चलिए पहले अपना अपना घर संभालने की बात ज्यादा करेंगे ना, दूसरे पर जब बात करने लगते हैं तो विषयांतर भी हो जाते हैं। और आज यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं मनोज, हर नेता से बात करने के बाद आपसे एक क्रिस्प एडिटोरियल कमेंट भी चाहूंगा। मनोज को लाइए ना स्क्रीन पर। अरे भाई रुक जाइए सौरभ, आपकी बात हो गई खत्म और स्क्रीन पर लगाए रखते हैं आप पीसीआर उन्हें। सब कुछ ठीक है, पार्टी में सबकी मत लेकर काम किया जाता है। अब जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह तो खैर होंगे, योगी आदित्यनाथ भी हैं, ब्रजेश पाठक भी हैं और साथ में केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। ये एकजुटता क्या कह रही है या तनाव का एक पैमाना भी बता रही है? फिर से एक बार पोस्चरिंग है, योगी आदित्यनाथ की कितनी सुनी जाएगी ये फिर एक बार तय होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नहीं सुनी गई। रही बात जेपी नड्डा की, तो क्या जेपी नड्डा अपने हिसाब से तय करेंगे? नहीं, जो चाणक्य है जिनका नाम अमित शाह है, जो गृह मंत्री भी है, सहकारिता मंत्री है, फाइनल डिसीजन तो उन्हीं का ही होता है। और वहीं से इस सूची पर कम से कम 32 लोगों के नामों की चर्चा हुई थी। उत्तर प्रदेश में सब कुछ शांत किया गया है, शांत करने के पीछे की वजह है कि फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आगे थे और जिस तरीके से चुनाव हरियाणा के थे, कश्मीर में थे, आगे महाराष्ट्र में होने वाले, उसको लेकर एक सीज फायर है, कुछ फैसले अभी भी दराज में है। मतलब तेल देखो, तेल की धार देखो, अभी धार देखी जा रही थी, अभी सिर्फ धार देखी जा रही है। और उसी को लेते हुए ये फैसला अभी होना बाकी है कि योगी आदित्यनाथ ने भी करीबन 3 से 7 लोगों की के नाम बोले हुए हैं, जबकि पिछली बार उन्होंने 37 लोगों के नाम कहे थे, जिसमें से शायद 3 या 4 लोगों के टिकट की गई थी। कुछ लोग तो कह रहे थे 2 ही को दिया गया। हाँ, इसको लेकर योगी खेमे ने बहुत सारी फीडिंग भी की कि उन्होंने तो बहुत सारे टिकट मांगे थे, नहीं गया, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन इस बार भी तय करना पड़ेगा कि क्या बाबा की दी हुई लिस्ट लोकसभा के हर्ष, तलवार अभी भी लटकी हुई है योगी आदित्यनाथ पर, वजह बिल्कुल 200% लटकी हुई है ये 10 सीटों का चुनाव। तो तलवार अभी लटकी हुई है और ये अभी क्या पोस्चरिंग नैरेटिव ही गढ़ा जा रहा है। ऐसे में एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।